हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। आई होप एवरीवन शुड बी फाइन। शुड में हम बात करने वाले हैं एचपीएससी का जो एग्जाम होता है, डीएचसी एंड एचडीयू का। इसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है एंड आप अभी ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं कल की डेट तक। तो कल इवनिंग तक आप इसमें जो भी ऑब्जेक्शन हो फाइल कर सकते हैं एंड इंडिविजुअली आपको फाइल करना होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। फर्स्ट थिंग, ऐसा नहीं किसी एक ने ऑब्जेक्शन किया एंड सभी को नंबर मिलेंगे। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आपको 250 रुपीज पे करने होंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। अभी जो आपको एक गूगल फॉर्म सबमिट करवाया था कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे फिल किए एंड या कुछ अप्रोक्सीमेट कट ऑफ क्या हो सकती है, बट उससे पहले अगर आपका जो भी ऑब्जेक्शन है तो प्लीज आप एचपीएससी एचडीओ ऑब्जेक्शन इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। जो भी ऑफिशियल सोर्स आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज मैक्सिमम कैंडिडेट जब आपके फाइल करेंगे तभी क्वेश्चन डिलीट होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। सॉरी, डिलीट नहीं, यहाँ पे चेंज होने के। अदरवाइज कई बार क्या होता है, जो डाउटफुल क्वेश्चन उनको डिलीट कर देते हैं एंड फिर जो बाकी नंबर है उन्हीं को कन्वर्ट करके, तो उसमें कुछ स्टूडेंट को फायदा होता है कुछ को नुकसान हो जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से इसके अलावा एचपीएससी एडीओ अपडेट्स इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी देर के अंदर एक कॉल हम रखवाने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे जो गूगल फॉर्म था, अभी 51 लोगों ने इसको सबमिट किया है, तो इसका मैं आपको एक दिखाने की कोशिश करूंगा। सीट के ऊपर यू कैन सी, अभी जैसे फर्स्ट नंबर पे तरुण, इनके मार्क्स हैं 57 एंड संजय कुमार 40 मार्क्स, केतन सिंह जनरल के अंदर 40 मार्क्स, अभी और टी कौन है इनके 40 मार्क्स, जनरल के अंदर स्नेहा के 43 मार्क्स, अंजलि के 45.525 मार्क्स, फलक के 100 ये पता नहीं कौन है, रोहित गोस्वामी 27, सचिन के 46.75, शिवम 26। ये वाली जो पीडीएफ है ये आप ज्यादा लोग इसको सबमिट कीजिए, उसके बाद कल तक आपको एचपीएससी आईडी अपडेट इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप इसको आराम से देख लेना। बट एक अप्रोक्सीमेट फिगर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप एक बार देख भी सकते हैं। जैसे जो स्टूडेंट यहाँ पे एचडीओ एंड डीएचओ बहुत अलग नजर से गलत कर दिया होगा जो भी है। इसके अलावा कन्हैया लाल यादव 41 मार्क्स, राहुल पटेल जिन्होंने दोनों एग्जाम दिए 27.5, ठीक है, एंड शालिनी चंबियाल इनके 42 मार्क्स, रविंद्र ने दोनों एग्जाम दिए 54। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी मेरे को स्टूडेंट से बात हुई थी, जो ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं वो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों एग्जाम दिए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपका कंबाइंड स्क्रीन टेस्ट होगा तो यहाँ पे जो स्टूडेंट एमएससी हॉर्टिकल्चर से, उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। अब एक चीज ये होने वाली है कि एचडीओ की थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, ठीक है, एंड वो स्टूडेंट यहाँ पे अब दो मेन्स लिखने वाले हैं, एक तो एचडीओ के लिए एंड एक डीएचओ के लिए। बट ऐसे स्टूडेंट बहुत ही कम है, बिकॉज 250 कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर हुए थे एग्जाम के लिए, उसमें से आप मान सकते हैं 30-40 ऐसे कैंडिडेट हैं जो दोनों एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। फर्स्ट थिंग, उसके बाद अगर एक राउंड ऑफ कट ऑफ की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर अभी तक अगर आपके 45+ मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। अगर बात करें बीसी ए के अंदर तो 42 मार्क्स तक आप बिल्कुल सेफ है अभी तक, बट अगेन 2 या 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाए तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसमें 3-4 मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज आपके ये नंबर निकल के आ रहे हैं। बाकी जो पोल हम करवाएंगे उसमें आप देख सकते हैं। बीसी बी की आपकी अगेन जनरल की जितनी जा सकती है 45 के आसपास, एससी की आपकी 40 तक भी हो सकती है, ठीक है, बट इसको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं माना। बाकी जो भी कैटेगरी, जैसे ईएसएम में सिर्फ एक पोस्ट थी, उसका कहना थोड़ा सा यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कोई डाटा हमारे पास नहीं है, ठीक है, एंड हमने पहले बताया था 45 के आसपास की स्टूडेंट की बहुत नंबर यहाँ पे कम हो रहे हैं ऑफिशियल आंसर किए गए अकॉर्डिंग। एंड ऑब्जेक्शन की हम बात करें तो हरियाणा जी के 2 से 3 क्वेश्चन है जिनपे ऑब्जेक्शन डेफिनेटली आप लगा सकते हैं, एंड 4 से 5 क्वेश्चन आपके हॉर्टिकल्चर के, तो सारे के सारे आपको एचपीएससी एचडीओ ऑब्जेक्शन इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाए, ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड 1 या 2 दिन में इसको डिलीट भी कर दिया जाएगा जैसे आपके जो ऑब्जेक्शन हो खत्म हो गए। ठीक है, तो इसका पर्पज यही था कि स्टूडेंट जितने भी ऑब्जेक्शन है एटलीस्ट आपको 3 से 4 नंबर का बेनिफिट यहाँ पे जरूर होना चाहिए, कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिनके आंसर उन्होंने गलत रखे हैं। इसका पता नहीं मेन मोटिव क्या होता है, 250 मार्क्स सॉरी 250 रुपीज भी ले रहे हैं एंड बाद में फिर कोई आपके ऑफिशियल आंसर की भी एग्जैक्ट नहीं बताते किसके बेसिस पे रिजल्ट निकाला है, बहुत ही टाइम बाद आपको फाइनल आंसर की मिलती है, वो बाद की बात है। बट अगेन अगर आपका ये स्कोर है तो अभी तक आप बिल्कुल सेफ है, ठीक है, एंड कुछ रेयर ही कैंडिडेट हैं जिनके 60+ मार्क्स हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, अगर 1 या 2 डिजिट के, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।